हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप 5 सरकारी बैंकों के प्रेजेंट गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट, साथ ही आपको एग्जांपल से समझाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको 12 महीने के बाद कुल कितना पैसा चुकाना होगा मूलधन और ब्याज को मिला के, और साथ ही आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने ब्याज पे जो जितना भी ब्याज आपका बनता है उस पर 50% तक आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं या प्राइवेट कंपनी हैं, सबकी गोल्ड लोन स्कीम पे डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। किसी भी बैंक से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से गोल्ड लोन लेने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी टॉप 5 सरकारी बैंकों के प्रेजेंट गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट और ईएमआई स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैं आपको स्कीम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। आप किसी भी बैंक से आज की डेट में गोल्ड लोन ले सकते हैं। आज सभी बैंक्स जो हैं वो गोल्ड लोन के डिफरेंट स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि सभी बैंक्स ने गोल्ड लोन की इंपॉर्टेंस को समझा है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक हाउस होल्ड में थोड़ा ना ज़्यादा गोल्ड ज़रूर मिल जाता है, इसलिए सभी बैंक्स गोल्ड लोन ऑफर कर रहे हैं। इस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोन बहुत सेफ है। बैंक को ऑलरेडी एक सिक्योरिटी मिल जाती है जिसके बेसिस पे बैंक बहुत ही इजीली आपको लोन दे देता है, और इसमें एनपीए का डर बैंक को बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो आपकी गोल्ड का ऑक्शन कर दिया जाता है। अगर दूसरी तरफ अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए भी ये बहुत ही ईजी हेजल फ्री लोन है, जिसमें किसी भी पर्सनल लोन के मुकाबले में बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगर आप गोल्ड लोन को किसी भी बैंक के पर्सनल लोन से कंपेयर करेंगे तो 2-3% का इंटरेस्ट का अंतर आप देख पाएंगे। अगर आप किसी भी बैंक का 11% पे पर्सनल लोन है तो अगर आप गोल्ड लोन देखेंगे तो आपको 8% पे या 8.25% पे इजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों, गोल्ड लोन लेने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जस्ट अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी प्रोड्यूस करनी है, उसके अगेंस्ट में बैंक आपको लोन दे देगा। आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी जो है वो प्लेज रहेगी बैंक के सेफ लॉकर में जब तक कि आप सारा लोन नहीं चुकाते थे। जब आप सारा लोन चुका देंगे आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स एज इट इज़ आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। लेकिन इनकेस अगर आप अपना गोल्ड लोन नहीं चुकाते हैं, ना ही इंटरेस्ट सर्व करते हैं, तो बैंक आपको एक नोटिस दे के आपके गोल्ड की ऑक्शन कर सकता है। और दोस्तों, गोल्ड लोन में आपका सिबिल स्कोर भी चेक नहीं किया जाता और ना ही इसमें आपके किसी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट है। आइए दोस्तों जानते हैं इंडिया के टॉप 5 सरकारी बैंकों के वर्तमान गोल्ड लोन ब्याज दरों और उनकी ईएमआई के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक से कम 20,000 और अधिकतम 50 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि आप कितना गोल्ड प्लेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लोन भी मिल जाएगा। वर्तमान ब्याज दर एक साल के लिए 8.35%। नेक्स्ट हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए स्टेट बैंक से, तो 12 महीने के बाद कुल ब्याज कितना चुकाएंगे हम? 1,08,670 रुपये कुल हमें बैंक को देना होगा मूलधन और ब्याज को मिला के, जिसमें से 8,670 रुपये ब्याज है। बट ये उस केस में है अगर हम बीच में कोई पैसा नहीं देते हैं, हम लमसम बाद में बुलेट रिपेमेंट करते हैं, क्योंकि अक्सर गोल्ड लोन में बुलेट रिपेमेंट की जाती है। बीच में अगर हम कोई पैसा नहीं भरते हैं तो लास्ट में 12 महीने के बाद हमें देना होगा 1,08,670 रुपये। लेकिन दूसरा केस है अगर हम इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दें, 1 लाख की अगर हम 12 महीने के लिए ईएमआई बनाएंगे तो बनेगी 8,715 रुपये 8.35% के हिसाब से। अगर हम हर महीने 8,715 रुपये देते रहेंगे तो कुल जो राशि हम देंगे बैंक को एक साल के बाद या 12 महीने के बाद वो बनेगी 1,04,580 रुपये। देखा आपने, दोनों में लगभग 50% का डिफरेंस है। इसमें 4,580 है और फर्स्ट केस में हमने भरा था 8,677 रुपये, क्योंकि इसमें हमने रेगुलर ईएमआई दी और हर महीने हमारे प्रिंसिपल में से कुछ अमाउंट कम होता रहा, क्योंकि सरकारी बैंकों के जो लोन होते हैं वो रिड्यूसिंग रेट पे होते हैं। जितना जितना अमाउंट हम देते हैं उसमें से कुछ इंटरेस्ट पार्ट कम होता है और कुछ प्रिंसिपल पार्ट कम होता है, उससे हमें टोटल जो पैसा देना पड़ता है वो बहुत कम बन जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल केस। तो अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लें, जब भी आप गोल्ड लोन लें आप कुछ पैसा हर महीने भरते रहें, या अपने एंड से कुछ सोच के या कुछ ईएमआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं, या अगर आपको ईएमआई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो हमसे भी ये ईएमआई कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ अमाउंट, या अगर आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है तो उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करके अपने हिसाब से हर महीने कुछ पैसे भरते रहेंगे,
आपको कम ब्याज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 12 महीने के बाद पूरा पैसा लमसम चुकाएंगे उस केस में आपको थोड़ा ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ये ट्रिक अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक से आप न्यूनतम 25,000 अधिकतम 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगेन ये निर्भर करेगा कि आप कितना गोल्ड प्लेज करते हैं, उसके हिसाब से ही आपको लोन मिलेगा। ब्याज दर की बात करें तो वर्तमान ब्याज दर है 9% की। फिर से हम उदाहरण से समझेंगे, 1,00,000 रुपए का गोल्ड लोन अगर पंजाब नेशनल बैंक से हम लेते हैं 12 महीने के लिए और बुलेट रिपेमेंट करते हैं, लमसम 12 महीने के बाद चुकाते हैं, तो हमें चुकाना पड़ेगा 1,09,380 रुपए। दूसरी तरफ अगर हम इसकी ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो इसकी ईएमआई बनेगी 8,745 रुपए, और हर महीने अगर हम 8,745 रुपए भरते हैं तो कुल राशि जो हमें चुकानी है वो है 1,04,941 रुपए। अगेन आपने देखा, आपको 40-50% का यहाँ भी बेनिफिट हो रहा है अपनी ईएमआई पे। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक से न्यूनतम 5,000 अधिकतम 35,00,000 तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं। निर्भर करेगा आप कितना गोल्ड देते हैं, उसके हिसाब से आपको लोन भी दिया जाएगा। वर्तमान ब्याज दर है 9.15%। अगेन एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर 1,00,000 का लोन लेते हैं कैनरा बैंक से 12 महीने के लिए, 9.15% के हिसाब से आपको 1 साल के बाद जो लमसम भरना है वह 1,09,543 रुपये। लेकिन अगर इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे तो 9.15% के हिसाब से ईएमआई बनेगी 12 महीने की 8,752 रुपये, और 1,00,000 का आप कुल भरेंगे 1,05,025 रुपये। इसके हिसाब से अगेन आपको 40-50% का बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा से अधिकतम गोल्ड लोन मिल सकता है 50,00,000 रुपए का। ब्याज दर है मौजूदा 8.85%। अगेन 1,00,000 रुपए का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए तो कुल राशि आपको देनी पड़ेगी 1,09,217 रुपए। ये बुलेट रिपेमेंट के केस में है। दूसरे केस में अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो मंथली ईएमआई बनेगी 8,738 रुपए। कुल राशि जो आप देंगे 1,04,858 रुपए। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। जो मेथड आपको बेस्ट लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप ईएमआई मेथड यूज़ करते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अब लास्ट में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक से आप 50,00,000 तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं। निर्भर करेगा आप कितना गोल्ड प्लेज करते हैं। ब्याज दर है 9.30% की। अगेन 1,00,000 रुपये का अगर लोन लेते हैं 12 महीने के लिए तो कुल राशि जो आप 12 महीने के बाद लमसम चुकाएंगे बुलेट रिपेमेंट मेथड से 1,09,706 रुपये, और ईएमआई के थ्रू अगर आप चुकाते हैं 1,00,000 रुपया 12 महीने के लिए तो किस्त बनेगी 8,759 रुपये, और कुल राशि जो आप देंगे 1,05,108 रुपये। देखा आपने, पांचों ही बैंकों के केसेस में हमने देखा अगर हम ईएमआई के माध्यम से चुका रहे हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हमें मंथली ईएमआई सेट कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि मंथली कुछ पैसे कम होते रहेंगे और हमें ब्याज भी कम भरना पड़ेगा। और यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको बेटर ऑफर दे रहा है। सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने आपको बता दिए, ईएमआई स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दिया है। और ये मैंने पांचों बैंकों के आपको जो गोल्ड लोन बताए हैं, ये रिटेल लोन के रेट्स हैं। एग्री में रेट्स अलग हो सकते हैं, एमएससी में भी अलग हो सकते हैं, और ये 12 महीने के लिए आपको बताए गए हैं। बैंकों के पास दूसरी स्कीम्स भी अवेलेबल हैं, बट जो मैंने बेसिक स्कीम है बैंक की 12 महीने की, उसी के बारे में आपको समझाया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।